वोडाफोन आइडिया शेयर को। आइए जरा एक बार राय एक और स्टॉक पे लिया जाए जो क्या बोलते हैं अपने टीनेज में पहुंच चुका है। टीनेज बोलेंगे, स्वीट 16, कौन सा? वोडाफोन। द मोस्ट ओल्ड वन, रीगेनिंग इट्स ग्लोरी। यस, सबसे पुराना 16 नंबर का शेयर वोडाफोन ओल्डेस्ट आइडिया, 16 ईयर। ओल्डेस्ट 16। जी हमारे कहाँ हैं कोलकाता वाले। सर बताइए, शरद जी क्या है राय 16 रुपए पर वोडाफोन आइडिया में? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो राय वही रहेगी कि अगले साल 2 साल में मुझे नहीं लगता कि नंबर्स में बहुत बड़ा कोई टर्न अराउंड आएगा। आजकल भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनको जो आरपू है उसमें लगभग 2 गुना वृद्धि करनी होगी डिसेंट नंबर्स लाने के लिए। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द वुड्स है। एक प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई है, बट अब मार्केट शेयर कैसे गार्नर करेंगे एग्जिस्टिंग इनकमबेंट से, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। और अगर अग्रेसिव रहते हैं आरपू से रिलेटेड तो मार्केट शेयर गेन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं 1-2 क्वार्टर या एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर देखना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता साल 1.5 साल के पहले कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड आपको वोडाफोन में देखने को मिलेगा। और अगर कुछ वैसा होता है तो मैं पॉजिटिवली सरप्राइज होऊंगा। बट मुझे लगता है मार्केट फैंसी रह सकती है, कम दाम का स्टॉक है, एक मेजर जो प्रॉब्लम थी वो लगभग एड्रेस हो गई है। बट नंबर्स के हिसाब से अगले साल 1.5 साल के पहले कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। ऑलराइट, तो कोई बड़ा टर्नआउट की उम्मीद नहीं है, बट डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया इस पर रखेंगे नजर, स्टॉक एक्शन में भी आपको दिख रहा है।